और वहीं एक बार फिर देश में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। सवाल ये कि क्या इस बार कोशिश कोई परवान चढ़ पाएगी या फिर नतीजा सिफर ही रहेगा, क्योंकि करीब करीब हर लोकसभा चुनाव या राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये शुगुफा निकलता है लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाता। बिन कांग्रेस बिन बीजेपी नए मोर्चे की जरूरत, और इसके लिए सियासी कसरत कई नेता कर चुके हैं। कुछ सालों से ममता बनर्जी खूब सक्रिय थी और अब इस लिस्ट में नया नाम है तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव। राव देश में एक राजनीतिक मोर्चा बनाने की जुगत में लगे हैं, जिसमें ना तो कांग्रेस रहे और ना ही बीजेपी, और जो 2024 में मोदी सरकार को चुनौती दे सके तो 2024 से पहले ऐसी किसी भी कोशिश की असली परीक्षा जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में होगी। इसी कोशिश के तहत चंद्रशेखर राव मुंबई पहुंचे और उद्धव ठाकरे से करीब 2 घंटे तक मुलाकात की, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात, राज्यों के हित को लेकर रणनीति बनाने और बीजेपी राज्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल जैसे मुद्दे पर बातचीत हुई। देश ठीक से नहीं चल पा रहा है, कोई नया एजेंडा लेकर के सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है। इसीलिए पवार जी के साथ जो भी मेरे विचार थे मैंने रखा है, जल्द से जल्द हम देश के अन्य लोगों से भी, जो अन्य पक्ष है, जैसे प्रफुल्ल भाई ने कह रहे थे, सभी से हम बात करेंगे। जुलाई महीने में राष्ट्रपति चुनाव है, जिसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका बड़ी होने वाली है। क्षेत्रीय दलों के नेताओं में शरद पवार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, तेजस्वी यादव और अखिलेश जैसे नेता की इस चुनाव में बड़ी अहम भूमिका होने वाली है। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम भी बहुत हद तक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नीतियां बनाएगा और बदलेगा। तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद पहले भी कई बार हो चुकी है। एक बार फिर ममता बनर्जी की तरह ही चंद्रशेखर राव भी कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा बनाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये दूर की कौड़ी है। जिस उद्धव और शरद पवार से KCR मुलाकात करने पहुंचे, दोनों की पार्टियों के सामने मुश्किल ये है कि कांग्रेस के साथ मिलकर ही सरकार चला रहे हैं। अब बड़ा सवाल कि क्या राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का जोखिम ले पाएंगे उद्धव और पवार, नहीं तो KCR की कोशिश भी ममता बनर्जी की तरह कहीं बेकार न चली जाए। चंद्रशेखर राव जो है उनका काम खाली तेलंगाना तक सीमित है, तीसरी फ्रंट बनाने तो बना सकते है लेकिन उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर होगा। ABP News आपको रखे आगे।